गाइस मैं वापस आ चुका एक और न्यू माइनक्राफ्ट का वीडियो में। आज यार आप लोगों के लिए लेके आ गया माइनक्राफ्ट का टॉप 10 नो लैग RTX टेक्सचर पैक 4 पॉकेट एडिशन 1.19 के लिए। गाइस ये वाला वीडियो बनाने के लिए मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, तो ऐसे ही आपके माइंड में और भी कुछ सजेशन होगा वीडियो के लिए तो यार आप कमेंट करके मेरे को सजेशन दे सकते हो, क्योंकि यार मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तो चलो गाइस अपन पहले टेक्सचर पैक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है रियलिटिक MCP। जैसे कि यार देखो मैं डायमंड का आर्मर पहना हूँ, जैसे कि खतरनाक की तरह पहनते हैं, कुछ उसी टाइप से दिख रहा हूँ, जो कि यार काफी ज्यादा प्यारा है। ओके ये देखो यार सारे आइटम्स पे टेक्सचर लगे हुए हैं, टोटम देखो यार आई एफ फंडर एंडर पल में देखो सारे चीज पे काफी ओपी टेक्सचर RTX टाइप का लग रहा है। और ये देखो जो कि अपना स्काई फोल्डिंग है, जो कि अपना दिख रहा है कुर्सी टाइप का, और लेडर भी देखो काफी ज्यादा प्यारा है। साथ ही साथ इसके अंदर टॉर्च का भी RTX दिया हुआ है, और भाई ये सबसे प्यारा जो कि अपना आर्मर स्टैंड का पूरा लकड़ी का बना हुआ है। और ये देखो और एंड पोर्टल फ्रेम का भी टेक्सचर दिया हुआ है, ये है स्लाइम वाला पिस्टन, एंड ये है नॉर्मल वाला पिस्टन, ये है जो पोषण वोशन बनाते है वही वाला था गाइस ये। और ये देखो सारे अपने आर्मर थे जो कि काफी खतरनाक ग्राफिक्स पे दिख रहे हैं, और ओस तो यार लिटरली आपको पता होगा खतरनाक ढंग का वीडियो देखते हो सेम यार इसी तरीके से ओस दिखते होंगे। ये रहे डायमंड एंगल्स आयरन के ब्लॉक जो कि गोल्ड बेस के साथ, चेस्ट भी देखो और काफी स्मूथ कर दिया एंगल्स, पुराने लकड़ी टाइप का दिख रहा है। और गाइस ये देखो और सारे डोर्स एंड ट्रैप डोर्स के अंदर भी टेक्सचर है जो कि काफी प्यारा है गाइस, एंड साथ साथ लो एंड डिवाइस के लिए भी है, एंड ये जावा के अंदर भी वर्क करता है, डाउनलोड करना अगर कमेंट पे लिंक है। एंड गाइस ये देखो और जो कि अपना क्राफ्टिंग टेबल काफी ओपी कर रहा है, पर TNT का टेक्सचर तो ऐसा मैं पहली बार देखूंगा, पूरा TNT चेंज हो चुका है गाइस। और ये देखो यार अपना टोटम देखो, और साथ ही साथ जो गोला भी स्पॉन करने वाला ब्लॉक था वो काफी खतरनाक लग रहा था। अपना नेक्स्ट टेक्सचर पे है जिसका नाम चेन्सो मैन टोटम। जैसे कि चेन्सो मैन एनिमे आप देखे हो गए, उसके अंदर काफी सारे कैरेक्टर रहते हैं, वो सारे कैरेक्टर के आपको टोटम मिलेंगे, जो सभी आपको नाम सेलेक्ट करना है उसी का टोटम आपको मिल जाएगा। तो आप जो सभी सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो गाइस, मैप नाम जो कि मेरे को पसंद है वो भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे कि ये वाला नाम मैं सेलेक्ट किया एंड मैं वर्ल्ड के अंदर चल जाता हूं, जैसे कि वर्ल्ड के अंदर आऊंगा देखो मेरे दोनों हाथ पे टोटम है गाइस, सेम ही वही नाम के कैरेक्टर का टोटम बना हुआ। जैसे कि टोटम से मैं नीचे गिर के मरूंगा तो सेम यार यही एनिमेशन मिलेगा, जो कि काफी प्यार है गाइस, काफी मस्त है यार। जो चेंजो फैन है गाइस इसको ट्राई करके जरूर देखना, काफी मजा आएगा आपको। चलो अपन अगले टेक्सचर पैक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है हॉट लाइन गाइस। इसको भी जैसे इंस्टॉल करके आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग के ऑप्शन में दो तीन ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि देखो यार मेरा नॉर्मल ऑप्शन है, एक ये स्टैंडर्ड ऑप्शन है, ये गाइस ट्रांसपेरेंट UI। अगर आप ट्रांसपेरेंट फैन हो तो ट्रांसपेरेंट रख सकते हो, क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंट रखना ही ज्यादा पसंद करता हूं, तो मैं ट्रांसपेरेंट में सेट कर दिया था। जैसे ही अंदर आओगे देखो यार और से यार काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, और संग काफी अच्छे भी लग रहे हैं। और साथ ही साथ ये देखो और आई एफ अंडर जो कि मैं लगाया हुआ एकदम चॉकलेट टाइप का दिख रहा है, ये गाइस आई एफ अंडर का जो गोल सा दिख रहा है। शॉर्ट देखो और काफी अच्छा भाई, शॉर्ट का टेक्सचर भी चेंज कर दिया, साथ ही साथ इसके अंदर PVP शॉर्ट का भी एड कर दिया, जिससे कि PVP करने में काफी आसानी होगा। इन्वेंट्री देखो और फुल्ली ट्रांसपेरेंट है, काफी मजेदार है, अगर थोड़ा बहुत भी नॉइज आ रहा है उसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि यार मेरा माइक खराब हो चुका है, मैं एयरफोन से वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और ये देखो और सारे ब्लॉक्स देखो और काफी मस्त लग रहे, जो कि आयरन डायमंड डायमंड का ब्लॉक यार काफी ओपी लग रहा था। और सारे वो क्या भाई एकदम ग्रास ब्लॉक है, उसके अंदर सारे पे आउटलाइन दे दिया गया इसके अंदर। और ये देखो और क्राफ्टिंग टेबल तो ऐसे लग रहा है अभी अभी होली खेल के, लेकिन काफी अच्छा टेक्सचर पैक के साथ क्राफ्टिंग टेबल दिया गया। और ये सारे आर्मर से गाइस जो कि काफी मस्त है, सारे पे आउटलाइन दिए हुए, अगर थोड़ा थोड़ा न्यू टेक्सचर पैक भी एड किया तो ट्रैक करना मत भूलना यार, मजा आएगा काफी ज्यादा यार। साथ ही साथ इसका स्काई भी चेंज हो चुका है, जो कि काफी अलग लग रहा है, PVP करने में काफी मजा आएगा, ऑसम सा फील मिलेगा आपको, वाइब तो एकदम अलग ही मिलने वाला है। और इसके अंदर टोटम भी अलग वाला है, जैसे कि देखो टोटम यूज हो भाई, ये इफेक्ट मेरा भाई आप तो ट्राई कर ही सकते हो। चलो अपन अगले वाले के ऊपर बढ़ते, जिसका नाम है साइबर PVP का। इसके अंदर भी जब से इंस्टॉल करोगे आपको और इसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, इसमें दो तीन सेटिंग आप सेटिंग करना चाहते कर सकते हो, नाइट स्काई क्यूब मैप एंड डे स्काई क्यूब मैप, आप कोई सा भी सेट कर सकते हो। मैं जो नॉर्मली पहले से था उसी पे सेट करके छोड़ देता हूँ, आपको जो वो पसंद है उस पे सेट कर लेना।
मेरे डायमंड का आर्मर देखो काफी मस्त दिख रहा है। साथ ही साथ इसका बटन देखो बटन भी चेंज हो चुके हैं और ये देखो और भी सारे आर्मर जो कि काफी प्यारे लग रहे हैं, काफी मस्त है। साथ ही साथ ये देखो फुल्ली ग्रास ब्लॉक का सिस्टम भी मिलेगा इसके अंदर, अदर पे टेक्सचर पैक नहीं मिलता था इसके अंदर मिलेगा। और गाइस बो का भी टेक्सचर पैक चेंज हो चुका है जो कि थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है एंड यार बो ऐसा लग रहा है जैसे कि यार ये आयरन का बना हुआ। साथ ही साथ क्रॉसबो का एनिमेशन तो काफी मस्त कर दिया, जैसे रिलोड करोगे काफी मस्त लगता है यार ये क्रॉसबो। और साथ ही साथ भाई ये चेस्ट देखो और काफी प्यारा लग रहा है यार चेस्ट। और भाई सारे ओर्स पे आपको आउट एंड मिल जाएंगे जो कि काफी अच्छा है, लैग काफी कम करता है माइनक्राफ्ट के अंदर। और ये सारे ब्लॉक है जो कि माइनक्राफ्ट के अंदर डायमंड आयरन आयन का जो भी मतलब गोल्ड ओल्ड के सारे ब्लॉक्स ये सारे है एंड साथ ही साथ यहाँ सारे ब्लॉक को स्मूथ कर दिएगा ये सारे आइटम्स का जिसके अंदर टेक्सचर ऐड किया हुआ। और भाई ये देखो टीएनटी का टेक्सचर और भाई वो भाई आईओ पंडा का टेक्सचर तो काफी अलग था। साथ ही साथ इसके अंदर आपको एंड क्रिस्टल में भी टेक्सचर मिलेगा जो कि काफी चेंज करता है एंड क्रिस्टल को। चलो अपन अगला टेक्सचर पे निकल कर था जिसका नाम है कट आर्मर का, ये तो काफी पसंद भी है। काफी लोगों का फुल आर्मर पसंद नहीं रहता तो उल्लू के लिए वाला टेक्सचर पे मैं लेके आऊँ। इसमें कहीं आपको कट आर्मर मिलेगा जैसे कि देखो आधा आर्मर पहना हुआ जैसे कि दिख रहा है बनेंटो का पहना हुआ, आप जैसे कि पहने यार जैसे कि मैं डायमंड आर्मर पहना करता हूँ देखो और काफी प्यारा लग रहा है। छोटा सा आर्मर दिख रहा है किसी को ज्यादा स्किन दिखाना का उसके लिए ज्यादा काम आएगा, जैसे देखो छोटा सा ही आर्मर दिखेगा ज्यादा बड़ा नहीं दिखेगा। और ये देखो मैं गोल्ड का आर्मर पहना हूँ छोटा दिख रहा ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा, आप भी यार ट्राई कर सकते क्योंकि काफी प्यारा ये होगा इस एड ऑन मतलब टेक्सचर पैक है। चलो अपन नेक्स्ट वाले की बढ़ते हैं जिसका नाम है BTR टोटम गाइस, ये भी काफी मस्त है। जैसे कि सेटिंग ऑप्शन में टैप करोगे इसके अंदर भी काफी सारे नेम्स मिल जाएंगे, जो सभी नेम्स के आपको टोटम चाहिए गाइस वो नेम पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यार वर्ल्ड को क्रिएट कर देना इजीली आपको टोटम मिल जाएगा। जैसे मैं कुछ अभी नाम पे सेलेक्ट करके यार अंदर आया था मेरे को टोटम मिल गया जो कि लड़की के टेक्सचर पैक पे था एंड यार जैसे कि मैं यहाँ से जंप करूंगा एंड गिरूंगा देखो और काफी मस्त यार टोटम यूज हुआ गया, तो ट्राई जरूर करना काफी मस्त है। चलो अपन अगले टेक्सचर पैक टू होता है जिसका नाम है इंडियन शील्ड गाइस, ये भी काफी प्यारा है जो इंडियन के फैन है इसको ट्राई तो जरूर करेंगे यार। देखो आपका शील्ड पे यार इंडियन का फ्लैग आ जाएगा जो काफी मस्त है, काफी मजा भी आएगा जिसको खेलना है वो ट्राई कर सकता है इसको। चलो अपन अगले टेक्सचर पैक टू होता है जिसका नाम है वॉल क्लॉक गाइस, इसके अंदर जैसे कि मेरे हाथ में दिख रहा होगा आपको यार क्लॉक दिख रहा होगा भाई ये देखो कैसा दिख रहा है भाई माइनक्राफ्ट के अंदर अलग ही रहता है। माइनक्राफ्ट के अंदर तो मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को पहली बार पता चला कि इसके अंदर भी क्लॉक होता है गाइस। टेक्सचर देखो यार कुछ इस तरीके से ऐसा दिखेगा, बाकी यार इसका यूज आपको तो पता होगा क्या होता है माइनक्राफ्ट के अंदर, मेरे को तो यार आज तक समझ में नहीं आया, बाकी आप ट्राई जरूर करना। चलो अपन अगले टेक्सचर पैक क्यों बढ़ते हैं जिसका नाम है रिसोर्स मतलब रियल सोर्स था भाई जो भी रियल सोर्स ट्रेलर जो भी वो था नाम इसका एंड आइटम देखो और काफी ओपी दिख रहे हैं, थोड़े बहुत टेक्सचर ऐड किए ज्यादा टेक्सचर ऐड नहीं किए आइटम पे तो कम ही टेक्सचर पे ज्यादा अच्छा लगता है। लैडर देखो एंड टॉर्च देखो चेंज कर दिया ने सारे चीज को स्मूथ कर दिया और भाई ये देखो ग्रास ब्लॉक काफी ज्यादा स्मूथ हो चुके हैं जो कि काफी प्यारा भी लग रहा है, काफी लोगों को स्मूथ चीज पसंद रहता है उन लोगों के लिए काफी काम आएगा ये। और ये देखो यार कैंप फायर पे काफी मस्त टेक्सचर कर दिया भाई एकदम कैंप फायर ही चेंज हो गया यार। और ये देखो यार सारे पे बोला था ना आपको स्मूथ कर दिया गया, देखो फर्नेस एंड क्राफ्टिंग टेबल भी स्मूथ है, साथ ही साथ ग्लोइंग ओर क्यों बोलो ओर्स को भी स्मूथ कर दिया गया। और ये देखो सारे ब्लॉक्स अपने डायमंड ब्लॉक है गोल्डन आयरन ब्लॉक है जो कि स्मूथ दिख रहे हैं जो कि काफी अच्छा है। ये देखो सारे ब्लॉक ये भी स्मूथ कर दिया गया, स्मूथ जिसको पसंद है उसको ट्राई जरूर करना क्योंकि खेलने में काफी मस्त लगता है। चलो अपन अगले टेक्सचर पैक क्यों बोलते हैं जिसका नाम हमारा लो फायर, ये गाइस आपको सबसे ज्यादा पीपी पे काम आएगा, इसको एक बार दो बार ही पहले भी दे दूंगा लेकिन इस बार भी मैं लेके आया क्योंकि काफी यूजफुल है। जैसे कि देखो इसके अंदर जाओगे तो आपके यार स्क्रीन पे आग नहीं दिखेगा, बाकी यार नॉर्मल माइनक्राफ्ट के अंदर पूरा स्क्रीन आपका आग से ढक लेता है जिससे कि पीपी नहीं कर पाते अगले बंदे का आप देख नहीं पाते, आप गाइस आप इजीली पीपी कर सकते हो। तो सारे टेक्सचर पैक को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।